भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 11वां अध्याय श्लोक संख्या 26। स्वयंभू मनु द्वारा ध्रुव महाराज को समझाया जाना, युद्ध के लिए रोकना। एष भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूत भावना स्वशक्तया मायया युक्ता सृजत यति यत्ति चा पाति चा। श्री भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, वे हर एक के नियामक और पालक हैं। वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। श्री भगवान समस्त जीवात्माओं के परम आत्मा है। हमारे अंदर आत्मा तो है, लेकिन हमारे अंदर वो परमात्मा है जिसके कारण से हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है, क्योंकि ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है। इस आत्मा की शक्ति तभी तक है जब तक ये परमात्मा के इसका आशीर्वाद प्राप्त है, परमात्मा का। तो खाली इस ये जो व्यक्तिगत आत्मा है इसके कारण ये शरीर नहीं चलता है। तो श्री भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, वे हर एक के नियामक और पालक भी हैं। समझ में आया? नियामक होता है कंट्रोलर, हाँ, मेंटेनर होता है पालक। तो सबके नियामक हैं, कंट्रोलर हैं। वो हर वस्तु को कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग कुछ भी करने में स्वतंत्र नहीं है वास्तव में। हम लोग गीता में सुनते हैं कि कैसे कर्म के पीछे एक शरीर है, शरीर ये क्षेत्र है, इसकी इंद्रियां हैं, ये एंडीवर है, हाँ, ये सब चीज़ें हैं। फिर जाके एक परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से हर वस्तु भगवान के नियमावली, नियम जो भगवान ने बनाए हैं, नियम के अनुसार ही संसार चलता है। भगवान के बनाए गए जो नियम हैं, जो कि हम साइंस में पढ़ते हैं, प्रकृति के नियम, वो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। उन नियमों के अंदर ही सारी सृष्टि चलती है। और इस प्रकार से वो हर एक के नियामक हैं। जैसे हर एक व्यक्ति की एक उम्र निश्चित है, उसकी इतनी सांसें हैं, इतनी सांसों बाद व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा। हम बिना कुछ करें हम देखते हैं कि हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। 5-5 साल के गैप में अगर अपने फोटोओं को देखेंगे तो हमें डिफरेंस दिखेगा। हाँ, डिफरेंस आ रहा है हमारे अंदर। हम देखेगा हम कैसे बदल रहे हैं, हम कैसे धीरे धीरे बचपन से बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हमारे बिना चाहते हुए, बिना कंट्रोल के ये सब हो रहा है। तो इसलिए वो सबके नियामक हैं। उनके नियम के अनुसार संसार बिल्कुल कंट्रोल्ड तरीके से चल रहा है। और वो सबके पालक हैं। कि शरीर की सारी आवश्यकताएं हमें प्रकृति से मिलती है। हमें फैक्ट्रियों में शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, ये हमें प्रकृति से लेनी पड़ती है। ये प्रकृति भगवान की एक माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, जो कि संसार में हमें पदार्थ, ऐसे पदार्थ प्राप्त करती है जिससे कि हम जी पाएँ, आगे चल पाएँ। और ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, उसकी शक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान हमारे पालक हैं। वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है कि वही करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या कर लेगा? हम यही चर्चा कर रहे थे पिछले प्रवचन में कि कोई व्यक्ति कैसे किसी को मार देगा, कैसे, कि जब पालक जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर संहारक कृष्ण है, वहाँ कोई और संहारक कैसे आ जाएगा, है ना? तो ये सब सोचने का विषय है। जैसे हमने पहले भी चर्चा करी एक बार, मांस शब्द का अर्थ क्या होता है? मांस का अर्थ ये है कि आई बिकम यू एंड यू बिकम मी। यानी कि जो बकरा है जिसको काटा जा रहा है, वो अगले जन्म में काटने वाला बन जाएगा, और जो काट रहा है वो कटने वाला बन जाएगा। इस प्रकार से कई जीवात्माएं इस जन्म में कट रही हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी को काटा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब की बार काटने वाले को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक नया कर्म उस व्यक्ति ने खड़ा कर लिया अपने लिए। हाँ, अब आप बोलोगे कि अगर सारे व्यक्ति कर्म हटा लें तो जो कटने वाला है उसका क्या होगा, उसको कौन काटेगा? तो ये चर्चाएं एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस हैं, क्योंकि ये संसार बहुत ही विस्तृत है, जीवात्माएं अनंत हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन बन ही जाता है। इतनी आत्माएं संसार के अंदर है ना? कई बार लोग कहते हैं कि सब लोग हरे कृष्णा करने लग जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। ये ऐसे ही हो गया कि सारे लोग अगर सुधर जाएंगे तो जेल बंद हो जाएगी, कितने सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी, जेलर सारे बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है ना। दीज आर इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इलॉजिकल क्वेश्चन, जस्ट आउट ऑफ सेक ऑफ क्यूरियोसिटी या कुछ लॉजिकल प्रेजेंटेशन करने के लिए कई बार हम ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं।
तो भगवान ही कंट्रोलर है, स्वयंभू मनु बिल्कुल बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। तमेव मृत्यु मृत्युंदात दैवम सर्वात्मनोपेहि जगत परायणम यस्मै बलिम विश्व सृजौ हरन्ति गावो यथा वै नसीदाम यंत्रिता। हे बालक ध्रुव, तुम श्री भगवान की शरण में जाओ जो जगत की उन्नति के परम लक्ष्य हैं। वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम? संसार में हम बहुत सारी जगहों पर अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, इधर उधर, इस मसले को सुलझाने में, उस मसले को सुलझाने में, इस झगड़े को सुलझाने में, क्योंकि हमारा उद्देश्य हमें क्लियर नहीं है। यदि मेरा उद्देश्य मुझे क्लियर हो तो मैं हर कार्य वही करूँगा जो मुझे उद्देश्य की तरफ लेके जाए। ये कहते हैं अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। आदमी को वही कार्य करना चाहिए जो अनुकूल है। किसके अनुकूल है? वातानुकूल है, एसी नहीं, जो कृष्ण के अनुकूल है। अनुकूल से कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, वहाँ पर भी अनुकूल वर्ड आया। तो अनुकूल किसके है? अनुकूल से संकल्पम अनुकूल, अनुकूलेन कृष्णानु, कृष्णानुशीलनम। तो जो कृष्ण के अनुकूल है, जो कृष्ण को फेवर देगा, जो कृष्ण को तुष्टि करेगा, जो उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाएगा। हाँ, यज्ञ शिष्टाशनों जो हम कहते हैं, यज्ञ करना, ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो हम उन्हीं कार्य को करेंगे जो इस लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, उन्हीं को यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति क्या कर सकता है? प्रतिकूल से वर्जनम। वो देखेगा कि मैं ये झगड़ा कर रहा हूँ, मैं जो झगड़ा सुलझाने आ रहा हूँ, या जो मसला सुलझाने आ रहा हूँ, मैं सुलझा ही क्यों रहा हूँ? आवश्यकता क्या सुलझाने की? क्या ये मेरे लक्ष्य की तरफ लेके जा रहा है मुझे, है कि नहीं? कितना सारा समय व्यर्थ हो जाता है ये साबित करने के लिए कि गलती किसकी थी। संसार में कितनी जिरह होती है, बहस होती है, अदालतों में ही नहीं, अदालतों के बाहर भी, हमारे डेली लाइफ में। हाँ, कितने आपस में लड़के लड़कियां, मित्र मित्र भी आपस में झगड़ते रहते हैं। इसने ऐसे कहा था, इसने ये कहा था, इसने वो कहा था, रिश्तेदारियों में तुमने ऐसा किया था मेरे साथ उस दिन, तुमने वो किया था। पति पत्नी के अंदर रिश्तों में इतनी गहरे दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि हमें उद्देश्य की क्लैरिटी नहीं कि मेरा उद्देश्य क्या है, और क्या ये जिरह, ये बहस, ये वट एवर प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो हम निकालने का प्रयास करें, क्या है मुझे उस उद्देश्य की तरफ ले जा रहा है? अक्सर हमें आंसर मिलेगा नहीं, ये तो प्रतिकूल है, इसका कुछ लेना देना ही नहीं है मेरे उद्देश्य। मेरा उद्देश्य है कृष्ण की संतुष्टि, गुरु की संतुष्टि माना। तो ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये है ही नहीं। आप कहोगे प्रभु जी बट प्रॉब्लम तो है ना, इसको सॉल्यूशन तो चाहिए ना। नहीं चाहिए। यदि आपको ये समझ में आ जाए कि ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है, मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए है, मेरा काम तो कुछ और है। जैसे हम चल रहे हैं भगवान के रास्ते में, हमें प्रॉब्लम दिख रही है, पहले मैं जरा एक करप्शन को समाप्त कर दूं। जब तक संसार में करप्शन है तब तक मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ? कैसे कर सकते हैं आप? संसार में गंदगी देखिए जरा, हर गली में कूड़ा करकट पड़ा है। कैसे आप अभी माला की बात कर रहे हैं? पहले ये कूड़ा करकट तो साफ करा दीजिए, है ना? पहले भूखे को खाना तो मिल जाए, पहले भारत आज़ाद तो हो जाए, उसके बाद आप हरे कृष्णा कराना। यही बोला गया था श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु के बीच में। उनके गुरु ने क्या कहा? नहीं, सारी समस्याओं का हल कृष्ण भावना मृत है। कृष्ण की संतुष्टि से हर चीज़ संतुष्ट हो जाएगी, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ये आधारभूत सिद्धांत हमें पता होना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम जिएंगे, तो पति पत्नी का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, कोई भी रिश्ता नाता संसार में, मित्रता, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम फोकस ही नहीं करेंगे प्रॉब्लम एरिया पे। हम फोकस करेंगे कैसे कृष्ण को संतुष्ट करें हम, मैं भी और आप भी। और जब हमें भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, तो जो भी व्यक्ति भगवान के लिए कुछ कर रहा है वो हमें प्रिय हो जाता है, हम उसको क्षमा कर देते हैं, नेचुरली हमारे अंदर क्षमा पैदा हो जाती है, बल्कि क्षमा गलत वर्ड है, प्रेम पैदा हो जाता है। हमें दिखता है वो कितना अच्छा व्यक्ति है, चलो छोड़ो मैं उसके बारे में क्या सोच रहा था, बट हाउ गुड प्रचारक वो है, कितना अच्छा पुस्तक वितरक है, कितना अच्छा गुरुकुल में पढ़ा रहा है, कितना अच्छा ये कर रहा है। तो हम उस नज़र से देखने लगते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के लिए, गुरु के लिए कुछ कर रहा है। तो हमारे आपसी मतभेद होते हुए भी, मतभेद हैं लेकिन फिर भी हम बड़ी प्रसन्नता से साथ में रह लेते हैं। हाँ, इसी को कहते हैं विविधता में एकता। विविधता में एकता इसी प्रकार से आ सकती है कि जब हम अपने आप को
उस भगवान का सर्वेंट माने, और जो दूसरा सर्वेंट है जो भगवान को प्रसन्न कर रहा है उससे मुझे एनवियसनेस ना हो, क्योंकि इसका मतलब मैं भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं खुद से कुछ करना चाह रहा हूँ और उसने कैसे कर लिया। यदि मेरा उद्देश्य उस भगवान को प्रसन्न करना है तो जो व्यक्ति उनको प्रसन्न कर लेगा अपनी सेवाओं के माध्यम से, वो व्यक्ति मेरा भी प्रिय बन जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है वी शुड बी वेरी क्लियर कि लक्ष्य क्या है, तभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। इसलिए ध्रुव को बता रहे हैं कि तुम ये जो झगड़ा कर रहे हो इस वक्त यक्षों के साथ, ये इसी कारण से है क्योंकि तुम उस कॉमन लिंक को नहीं पहचान पा रहे हो कि तुम्हारा उद्देश्य भी उस भगवान को प्रसन्न करना है, इन यक्षों का उद्देश्य भी भगवान को प्रसन्न करना है। कुबेर जो है भगवान के भक्त हैं, ये लोग कुबेर के सर्वेंट हैं। हाँ, दे आर ऑल डिवोटीज ऑफ कृष्णा, अल्टीमेटली वाई शुड अ डिवोटी किल अ डिवोटी। हाँ, इस प्रकार से तो ब्रह्मादि समेत सहित सभी उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा साधा जाता है, उसी प्रकार से सारे जीवात्माएं भगवान द्वारा सदे हुए हैं। इसलिए या पंचवर्षो जननीं त्वं विहाया मातु स्पंतया स्पत्नया वचसा भिन्न मर्म वनम गतस्त पसा प्रत्यक्ष प्रत्यगक्ष माराध्य लेभे मूर्धनि पदम त्रिलोक्या। हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी विमाता के वचनों से दुखी होकर अपने माता का संरक्षण त्याग कर श्री भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योग में संलग्न होने के लिए जंगल में गए। याद दिला रहे हैं कि तुम जब 5 साल के थे, याद है तुम्हें कैसे तुम अपनी सौतेली माँ के वचनों से बड़े प्रभावित हो गए थे और तुमने अपनी माता के सुनने पर जंगल में भगवान की तपस्या करने का निर्णय किया था। हाँ, और तुमने उस भगवान के दर्शन किए थे, तुम भूल गए। इस कारण तुमने पहले ही तीनों लोकों में सर्वोच्चतम पद प्राप्त कर लिया है। अब जब उस पद को प्राप्त कर लिया है तो ये कितना छोटा स्टेप ले रहे हैं हम लोग। कई लोग हमारे 16 माला कर रहे हैं, कई लोग दीक्षित हो चुके हैं। सोचना चाहिए हमें इसी प्रकार कि हम किस पद की तरफ जा रहे हैं और हम कैसे विचार रख रहे हैं, हमारे विचार कितने छोटे हैं, कितने टेम्परेरी हैं, कितने सेल्फिश हैं। उसमें परंपरा के प्रति त्याग बलिदान ऐसी कोई भावना नहीं है। हाउ सेल्फिश वी आर, एंड वी से दैट वी आर इनिशिएटेड और समटाइम्स वी आर डूइंग 6 16 माला कर रहे हैं, हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ने चाह रहे हैं, लेकिन हमारे विचारों में वो दिखता नहीं क्योंकि हमारा लक्ष्य है उस भगवान को प्रसन्न ना करके अपने परिवार को सुखी रखना है, चाहे भक्ति करके ही हो। हाँ, चलो भैया जितने पाप कम होंगे उतना हमारा परिवार ठीक ठाक चलता रहेगा, बुरी आदतों में नहीं पड़ेंगे मेरे बच्चे, भक्ति में लगे रहेंगे तो, या मेरा मेरे पति या मेरी पत्नी। ये उद्देश्य नहीं है भक्ति का। भक्ति का उद्देश्य तो केवल क्या, अनुकूल है ना कृष्ण अनुशीलन भक्ति रोत्तम, भगवान की प्रसन्नता है, उनके दिव्य मिशन में काम करना है। भगवान कहते हैं कि जो ये ज्ञान दूसरों को बांटता है, किसी भी प्रकार से प्रचार करता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। दिस इज द मिशन ऑफ कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए बोला, यारे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तार यही देश। कि एवरीबडी हैज़ टू डू दिस, और वो ये है भगवान को प्रसन्न करने का तरीका, इस मिशन में लगना। तो वास्तव में तो ये हमारा उद्देश्य है, लेकिन हम अपने इस उद्देश्य को भूल के कहीं और काम में लग जाते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि तुम पहले ही उस उच्च पद को प्राप्त कर चुके हो, लेकिन अब ये तुम क्या कर रहे हो। इसी प्रकार से कई बार भक्ति प्राप्त करने के बाद भी, उच्च पद प्राप्त करने के बाद भी, गुरु प्राप्त करने के बाद भी, शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, हम उन्हीं छोटे कार्यों में लगे रह जाते हैं, उन्हीं मैं और मेरा के चक्कर में हमारा पतन हो जाता है और हम गलत डायरेक्शन में, टोटली गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। जब हम प्रारंभ में आते हैं तो हम हर चीज़ भक्तों के निर्देशन में करना चाहते हैं। जैसे एक बच्चा जो है बिल्कुल साइकिल चलाएगा माता पिता के संरक्षण में, लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि अब मैं साइकिल चलाने में निपुण हो गया हूँ, वो साइकिल चला के कहीं भी निकल जाता है चुपके से कई बार। हाँ, कि मम्मी पापा को बताऊँगा तो मना कर देंगे, वो चला जाता है दूर मार्केट में, कई बार वहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो हम निर्देशन की परवाह नहीं करते, और पहले हम हर काम करने से पहले निर्देशन लिया करते थे, और इस प्रकार हम टोटली गलत रास्ते में कई बार चले जाते हैं। तो ये कुछ ज्ञान दे रहे हैं स्वयं भगवान ध्रुव महाराज को कि तुम इतने बढ़िया पद को प्राप्त करके आज तुम फिर से ये इन झगड़े फसादों में लग गए हो, मैं और मेरा के चक्कर में लग गए हो, जो कि हमारे लिए शिक्षा है वास्तव में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गंतराज श्रीमद् भागवतम की।